मैंने आपसे कहा कि यूरोप में भयंकर ठंड है, भयंकर ठंड है तो प्रकृति ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। कारण क्या है? आप जरा थोड़ी देर ऐसी कल्पना करो कि बर्फ की मोटी मोटी परत खेत में 6-6 महीने है, 8-8 महीने खेत में बर्फ जमी हुई है। अब इसमें कुछ उगेगा, कुछ पैदा होगा खेत में? हम कितना भी बीज डालें, खेत में से घास का तिनका नहीं उगने वाला, क्योंकि घास का तिनका भी उगने के लिए सूर्य की धूप लगती है, सूर्य का प्रकाश लगता है। आपके पास कितना भी अच्छा बीज हो, कितना भी अच्छा खेत हो और कितनी भी अच्छी खाद हो, जो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज में से अंकुरण भी नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका के इलाके में खेत की मिट्टी में से कुछ पैदा नहीं होता। ये देखिए, उनके यहाँ 2-3 फसलें होती है, वो भी तब जब गर्मी आ जाती है। गर्मी तो बहुत आती नहीं है उनके यहाँ, लेकिन सूर्य थोड़ा दिखाई देता है साल में 2-3 महीने, उन्हीं दिनों में कुछ उनके यहाँ होता है। एक तो गेहूं हो जाता है कुछ देशों में, दूसरी हो जाती है मक्की, मक्का भुट्टा, और तीसरा कुछ देशों में हो जाती है कपास, चौथी कोई चीज उनके यहाँ ज्यादा होती नहीं, ज्यादा चीजों को वो बाहर से मंगाते हैं। अब उनके पास एक ही चीज है, गेहूं, तो क्या खाएंगे? कोई गेहूं खाएंगे, बाजरी तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। और ये गेहूं कुछ ही देशों में होता है, सब जगह नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। भारत में 6,32,000 गांव हैं, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ गांव के हिस्से 2 कर दिए हैं, तो अब उनकी संख्या 8,32,000 के आसपास है। भारत के 8,32,000 गांव में कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में गेहूं हो जाएगा, कहीं भी चले जाइए किसी भी गांव में मक्की आ जाएगी, कहीं भी चले जाइए बाजरा हो जाएगा, कहीं भी चले जाइए धान हो जाएगा, राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर जहां बहुत सूखा है, बाकी बहुत सारी जगह धान हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सब तरह की दालें हो जाएंगी, सरसों हो जाएगी, तिल हो जाएगा, माने जो कुछ हमें जीवन में चाहिए वो सब हिंदुस्तान के लगभग सभी गांव में हो जाएगा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप की तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि गेहूं कुछ इलाके में होगा, मक्की कुछ दूसरे इलाके में होगी, कपास किसी तीसरे इलाके में होगी, सब्जियां होने की कल्पना उनके देश में हो नहीं पाती, क्योंकि सब्जियों को होने के लिए सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश लगता है, और ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता तो सब्जियां हो नहीं पाती। थोड़ी बहुत दाल वाल हो जाती है, जो धान्य में पतली बाल निकलती है ना, पतली, जिसका स्टेम बहुत पतला है तना, वो तो वहां हो जाएगा, ले देखे थोड़ा भी मोटा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा चाहिए। तो उनके यहाँ सब चीज सब जगह नहीं होती, कुछ ही चीजें कुछ जगह होती हैं, तो इन चीजों को ही खाना उनकी मजबूरी है। अब उनके यहाँ गेहूं है, तो गेहूं है तो गेहूं को ही वो खाएंगे, उसके अलावा तो कोई कल्पना नहीं आएगी। और गेहूं को खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ठंडी के कारण ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एक कल्पना बताऊं, आप तो तुरंत समझ जाएंगे। आपने गेहूं का आटा गूंथना शुरू किया, कल्पना करिए अचानक से तापमान 0 के नीचे चला गया, तो आटा ही नहीं गूंथ पाएंगे, आपकी जो उंगलियां है ना एकदम जाम हो जाएंगे, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। और 0 के नीचे 5 डिग्री गया, 10 डिग्री गया, तो ये तो हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा हाथ। और जो आटे में पानी मिलाया है वो तो कुछ और ही हो जाएगा, वो पानी ही बर्फ हो जाएगा, आटा को बर्फ में कैसे मिलाएंगे, तो रोटी नहीं बनेगी। इसलिए यूरोप में कोई रोटी बनाना नहीं जानता, रोटी नहीं बना पाते। गेहूं है, गेहूं का आटा है, लेकिन रोटी बनाना नहीं है उनके यहां, जानता भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति मजबूर करती है उनको कि तुम बना ही नहीं सकते रोटी। रोटी तो उन्हीं देशों में बन सकती है जहां तापमान समशीतोष्ण होता है, उंगलियां भी काम करती रहे, हाथ की कलाइयां भी काम करती रहे, आटा और पानी का बैलेंस बना रहे, तो रोटी बनने का काम शुरू हो सकता है। उनके यहां तो संभव नहीं है, तो वो करते क्या है, आटे को सड़ाते, जिसको आप कहते हैं ना फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड करते हैं, और सड़े हुए आटे में से सिर्फ पाव रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती। सड़े हुए आटे में से डबल रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती, चपाती नहीं बन सकती। तो वो बेचारे मजबूर है कि आटे को सड़ाएं, और सड़ने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाएं, उन टैंकों का टेम्परेचर मेंटेन करें, बाहर की दुनिया से उन टैंकों को काट के रखें, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो वहां क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहां गेहूं भेजा जाता है, और उन फैक्ट्रियों के अंदर आप कभी जाके देखें तो आटे को सड़ाया जाता है, टैंकों में भर के रखा जाता है, और वो आटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन सड़ता रहता है। आंखों से, खुली आंखों से देखें तो उसमें कीड़े बदबदाते रहते हैं, छोटे छोटे कई बार, जो उनके इलाकों में बहुत होते हैं। फिर उन्हीं कीड़ों को आटे के साथ मैश कर दिया जाता है, फिर उसी से पाव रोटी बन जाती है। अब उस पाव रोटी को ही खाना है सवेरे दोपहर शाम चौथी, जब भी भूख लगे, क्योंकि और कुछ है नहीं खाने के। तो उन्होंने पाव रोटी के कई प्रिपरेशन बनाए हैं, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ सलाद लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ मक्खन लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें गाजर मूली ककड़ी भर दो, पाव रोटी को बीच में से काटो तो इसमें कुछ सॉस भर दो, और उन्हीं को कुछ कुछ नाम मैंने दे दिए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन है, वो सब पाव रोटी। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ा के पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं, अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का
प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना, वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं, आपके तो बस की बात नहीं। हालांकि आजकल वहां के भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अब आसानी से पच नहीं रहा, क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से, कि देखो भाई खाना रात हो जाए तो नहीं खाना। आपने तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं बहने, आप तो जल्दी समझ जाएंगी, रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े, सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। लेकिन उनकी सोचो, जहां 9 महीने सूर्य ही नहीं है, अब उनकी जठराग्नि कैसी होगी, या उनके पेट में पैदा होने वाले जूसेस कैसे होंगे? तो वो बेचारे बहुत तकलीफ में रहते। तो उनके यहां क्या करना पड़ता है कि जूसेस पैदा होने में सूर्य के प्रकाश की जो मदद चाहिए वो तो मिलती नहीं है, क्योंकि हीट चाहिए, हीट तो मिलती नहीं है। तो खाने के पहले थोड़ी शराब पिएंगे, खाने के बाद थोड़ी शराब पिएंगे, ताकि थोड़ी हीट तो आए, थोड़े जूसेस तो बने, क्योंकि पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो बिना गर्मी के बन ही नहीं सकता। हमारे यहां तो शरीर गर्म है क्योंकि वातावरण गर्म है, उनके यहां तो बर्फ पड़ रही है तो शरीर भी ठंडा है, जैसी बर्फ ठंडी है वैसे शरीर उनका ठंडा है, अब पेट में एक्सीएल का निर्माण नहीं हो रहा है। तो वो बेचारे कहेंगे कि भैया थोड़ी ब्रांडी पी लो पहले, खाने के पहले थोड़ी बियर पी लो, थोड़ी कॉन्याक पी लो। कॉन्याक एक तरह की शराब का नाम है जो यूरोप में सबसे ज्यादा पी जाती है, क्योंकि यही एक शराब है जिसको पीने के बाद थोड़ा जूस बनेगा, तो आपने जो सड़े मैदे की पाव रोटी खाई है वो थोड़ी बहुत पचेगी, और अगर आप ये नहीं पी पाए तो पचना सवाल ही नहीं। तो अब वहां रहने वाले हर आदमी को बियर पीना जरूरी, शराब पीना जरूरी, कॉन्याक पीना जरूरी। अब हम बिना सोचे समझे उनकी नकल करके खुद बियर पीना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें, कॉन्याक पीना शुरू कर दें, तो हमारा तो सर्वनाश, क्योंकि यहां तो वैसे ही पेट में गर्मी बहुत है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत है, ऊपर से बियर पी के और गर्म करोगे तो मरना ही है यहां। तो बिना सोचे समझे, बिना अकल के अगर हम उनकी नकल करें तो बीमार नहीं बीमार। अब तीसरी किस्सा बताता हूं कि चूंकि वहां ठंड बहुत है तो सब्जी नहीं बन सकती, सब्जी पकेगी कैसे? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, उबाल का तो बिंदु चाहिए, दाल को पकाना हो तो दाल नहीं पकेगी, सब्जी बनानी हो तो सब्जी नहीं पकेगी। तो वहां क्या होता है, सभी सब्जियां डिब्बे में बंद होके आती है, और डिब्बे बंद सब्जियों को प्लेट में निकाल के वो खाते। अब डिब्बा बंद सब्जी की विशेषता यह है कि उसमें नमक मिला के नहीं डाल सकते डिब्बे में, नहीं तो खराब हो जाती, तो नमक ऊपर से मिलाना पड़ता है। तो यूरोप के सभी देशों में पिसा हुआ नमक खाने की ही परंपरा है, क्योंकि नमक को सब्जी प्लेट में रखने के बाद ही मिलाना पड़ता है। भारत में अब यही नकल हमने करना शुरू कर दिया, पिसा हुआ नमक हम सबके घर में आ गया, जो आज से 50 साल पहले किसी घर में नहीं होता। हमारे यहां क्या है, कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट सामान्य रूप से उपलब्ध है, क्योंकि सूर्य उपलब्ध है। तो हम जब नमक डालेंगे तो सब्जी बनाते हुए डालेंगे या दाल बनाते हुए डालेंगे, और दाल और सब्जी में नमक वही अच्छा होता है जो डेले वाला होता है, क्रिस्टल वाला होता है, वो डाल के अगर आप सब्जी बनाएंगे तो तासीर है दूसरी, और ये जो पिसा हुआ नमक डालेंगे तो बिल्कुल तासीर बदल जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें जैसे ही बदलना शुरू करती हैं तो फिर बीमारियां आपके शरीर में घर करना शुरू करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो पिसा हुआ नमक खाना आप शुरू कर दीजिए, अपने ही घर में एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। 2 बच्चे अगर आपके पास हैं, एक को रोज पिसा हुआ नमक खिलाइए और एक बच्चे को वो डेले वाला नमक सब्जी में डालते हुए उबालते हुए खिलाइए। जो बच्चा डेले वाला नमक खाएगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जिसको पिसा हुआ नमक दे रहे हैं वो हर समय बीमार रहेगा। कारण क्या है आप पूछेंगे, जी कारण क्या है, सब्जी को उबालते समय, दाल को उबालते समय जो नमक आपने डाला है तो नमक भी उबल रहा है सब्जी के साथ, दाल के साथ, तो उसकी जो इंप्योरिटीज है, जो उसमें से शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, वो गर्म पानी के साथ कम होती जा रही है। और यहां पिसा हुआ नमक डाल दिया है तो सारी अशुद्धता के साथ गया है और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देने वाला है। और ये तकलीफ जानते हैं क्या आती है, आजकल ज्यादातर माताओं बहनों से मैं एक ही शिकायत सुनता हूं, ओ राजीव भाई हमको थायराइड की समस्या हो गई। ये थायराइड उन सभी को होने वाला है जो पिसा हुआ नमक खाएंगे। और थायराइड के दोनों हिस्से हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, दोनों में हम फंसे हैं और हमारी करोड़ों माताओं बहनें फंसी हैं। उसका एक छोटा सा कारण है पिसा हुआ नमक। जितने दिन आप ये खाते रहेंगे थायराइड से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, कितनी भी गोलियां खाएं, कितने भी इंजेक्शन लगाएं, लेकिन जैसे नमक बदल देंगे बिना दवा के थायराइड ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए थायराइड के, ज्यादातर माताएं आती हैं क्योंकि उनको थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है सेंसिटिविटी के कारण, तो वो आती है शिकायत लेके, क्या होता है इतना थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर मैं ये गोली खाती हूं तो शरीर और बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। और एक महिला तो एक बार मेरे पास आई थी जिनका वजन तो मुश्किल से 60 किलो था, लेकिन शरीर देखो तो लगे 100 किलो का, जैसे फुटबॉल में हवा भर दी हूं। तब मैंने उनको समझाया कि आपकी समस्या क्या है,
उनके समझ में आ गया, मैंने कहा बस कल से आप ऐसा करो नमक बदल दो, पिसा हुआ नमक खत्म कर दो, डेले वाला लाओ। वो बहन जी ने शुरू किया है, अभी 8 महीने हो गए हैं, वो बराबर हो गए, 58 किलो वजन है, वैसे ही शरीर है। और वो कहती है मुझे थायराइड की समस्या नहीं। अब वो कहती है राजीव भाई मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 8 साल से मैं दवा खा रही हूँ, इतने इंजेक्शन ले लिए, कहाँ कहाँ मैं गई डॉक्टरों के चक्कर में, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप ये नमक पिसा हुआ मत खाओ। मैंने कहा उन्होंने नहीं बताया, उसके पीछे कारण दूसरा है। कारण ये है कि अगर आप ठीक हो जाएंगी तो डॉक्टर का धंधा कैसे चले, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो, वो नहीं बताएगा, जानता वो भी है, जो मैं बता रहा हूं वो डॉक्टर भी जानता, बताएगा नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे से हमारे अपने जीवन में बिना सोचे समझे किए गए नकल के काम हमको इतनी बड़ी समस्याओं में फंसा देते हैं।